बहुत हुआ क ख ग घ, अब समय आ गया है पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाने का। मिर्जापुर के चाहने वालों, सालगिरह मुबारक। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अपडेट्स में। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 के अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर। तो क्या है वो अपडेट, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल फिल्मी अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी मूवी या फिर वेब सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं या फिर उसकी लेटेस्ट अपडेट को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिर्जापुर के सीजन 3 का हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग 2020 से मिर्जापुर के सीजन 3 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैं इसके सीजन 3 से रिलेटेड पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि मिर्जापुर का सीजन 3 का जो शूटिंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, और इस बात को काफी लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोग बोल रहे थे कि आप गलत सलत कुछ भी अपडेट बता देते हो। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ये अपडेट लेके आया हूँ फुल प्रूफ के साथ। और अगर रही बात अपडेट्स की, तो हम लोगों के पास कोई भी अपडेट्स निकल के आता किसी भी मूवी या फिर वेब सीरीज को लेकर, तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अपडेट को आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। मींस अपडेट कोई भी हो, वो अपडेट को मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। दोस्तों अब अगर बात करें अपडेट क्या निकल के आई है मिर्जापुर के सीजन 3 से जुड़ी, तो मैं आप सभी को बता दूं, मिर्जापुर सीरीज के एक बेहतरीन कलाकार यानी कि दुवेंदु शर्मा उर्फ मुन्ना भैया, उनका अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू के दौरान मिर्जापुर के सीजन 3 से जुड़ी कुछ अपडेट्स को बताया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस इंटरव्यू के दौरान मुन्ना भैया ने मिर्जापुर के सीजन 3 से जुड़ी किन अपडेट को बताया है। तो मैं सभी को बता दूं, जब उस इंटरव्यू के दौरान मुन्ना भैया से पूछा गया कि मिर्जापुर के सीजन 3 का क्या प्लान है, तो मुन्ना भैया ने बताया कि इट विल हैपनिंग, यानी कि ये अभी हो रहा है और ये जरूर होगा। तो उन्होंने ये बताया कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुन्ना त्रिपाठी हम सभी को मिर्जापुर के सीजन 3 में जरूर देखने को मिलने वाला है। अब बात ये रही कि मिर्जापुर का सीजन 3 कब तक देखने को मिल सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं, काफी टाइम पहले अमेजन प्राइम के इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैनल पे कुछ पोस्टर को रिलीज किया गया था और वो पोस्टर था द फैमिली मैन और मिर्जापुर के सीजन 3 का। और उसके अंदर ये बताया गया था कि आप इस साल सबसे पहले कौन से सीरीज को देखना चाहते हैं, मींस कि वो पोल 2022 के स्टार्टिंग में लगाया गया था। तो उस पोल के अंदर सभी लोगों ने बताया था कि हम लोग पहले द फैमिली मैन सीरीज को देखना चाहते हैं, उसके बाद मिर्जापुर के सीजन 3 को देखना चाहते हैं। और इससे हम सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सभी लोगों को मिर्जापुर का सीजन 3 लिटरली देखने को मिलने वाला है और वो भी 2022 के अंदर में। अब बात ये रहा कि ये हम सभी लोग को कब तक देखने को मिलेगी, तो जैसा कि दुवेंदु शर्मा ने बताया था कि अभी इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों अभी शूटिंग होगा, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में काम चलेगा, उसके बाद रिलीज होगी। ओवरऑल देखा जाए तो इसे रिलीज होने में अभी काफी समय लग सकता है। और रही बात उस इंटरव्यू की, तो वो इंटरव्यू भी लिटरली सही है। अगर आप लोग उस इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो बस यही थी मिर्जापुर के सीजन 3 की लेटेस्ट अपडेट। आप लोग कितने एक्साइटेड है इसके सीजन 3 को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।